तो गाइस आज के 5 घंटे हम हरियाणा के नंबर 1 बिजनेसमैन सुमित सर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइस अभी चलते हैं और उनके जानते हैं उनके थोड़े बिजनेस के बारे में, और बिजनेस के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस ये सर का जो है, ये सर यहाँ पर सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन शिप है सर के पास। और सर आप किस किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और यहाँ कौन कौन आके ले सकते हैं, आप प्लीज़ इसमें बता दीजिए। तो करण भैया यहाँ आए, मेरे को मिले, बहुत अच्छा लगा। और इनका स्वभाव, नेचर जो मैंने देखा, हम लोग कभी हाईवे किंग पे मिले थे राजस्थान में, तो ये भी आप भी चाय पी रहे थे तो मैं भी चाय पी रहा था, तो मेरा बहुत आदत होती है। मैंने इनकी बाइक देखी, बिल्कुल नई बाइक लगी, कैमरा लगा हुआ था हेलमेट पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पता किया, इन्होंने अपना नंबर दिया मेरे को, फिर मैंने इनका शूट्स और व्लॉग्स देखे, तो काफ़ी फ्लोवर्स हैं इनके, और ये पूरा इंडिया अप्रोक्स घूम चुके हैं। जो जैसे मैंने इनको देखा, काफ़ी ब्लॉग्स ये बनाते हैं, और उसके बाद अभी आज ये राजस्थान से झुंझुनू से यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं महेंद्रगढ़ से, मेरा नाम सुमित गोयल है, मेरी फर्म का नाम गोयल एजेंसीज पड़ता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2002 से, और पूरा डिस्ट्रिक्ट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शॉप्स हैं, अप्रोक्स 1450 आउटलेट मैं डील करता हूँ, जिसपे आउटलेट पे टू आउटलेट हम सप्लाई देते हैं। मेरे पास 3 सप्लाई यूनिट हैं, 6 मेरे पास सेल्समैन हैं, और उसके बाद 16-17 लोडर अनलोडर एंड डिस्पैच वाले डिलीवरी बॉय हैं। अभी हम जैसे सुबह सुबह आते हैं, बिल बनाते हैं, उसके बाद गाड़ियों में माल लोड करवाते हैं, उसके बाद गाड़ी हमारी चली जाती है और वो दुकानदारों को सामान दे के आती है, और उसके बाद उनसे पैसा लाती है। दुकानदार एक एक रिटेलर कस्टमर को वो सामान बेचते हैं, होलसेलर जो है वो रिटेलर को सामान बेचता है। और मेरे कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 2002 से, और अभी 2000 अप्रोक्स 23 हो गया, 21 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। ये सारा काम मेरे फादर साहब ने मेरे को करवाया 2002 में, फादर साहब चले गए 2015 में, उनको थ्रोट कैंसर था, और उसके बाद हम इस काम को लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने जब ये काम चालू किया तो अप्रोक्स 1.7 लाख पर मंथ में काम करता था, जिसका टर्न ओवर था। अभी मैं 100 times मेरी ग्रोथ है। 21 साल में मैंने 100 गुना यहाँ पर जो धंधे को कर दिया है, जो सेल मेरी जो है 100 times मल्टीप्लाई हो गई है, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं पूरे दुकानदारों को, मेरे रिटेलर्स को, मेरे होलसेलरों को, और इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर की जितनी भी फील्ड फोर्स है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। टाइम टू टाइम मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले पूरे प्रमोट करते हैं, काफ़ी अवार्ड्स इन्होंने मेरे को दिए, प्लेटिनम आरएस का मेरे को अवार्ड भी दिया, आरएस का इट मीन्स रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट जो आरएस बोलते हैं, और सारा काम इनका जीएसटी एक नंबर में होता है, प्रॉपर बिलिंग से माल आता है, बिलिंग से माल जाता है। ठीक है सर। और सर यहाँ आके कौन कौन आपसे ये सामान ले सकता है? इवन तो वैसे मैं 1450 आउटलेट डील करता हूँ, तो किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार क्या होता है, किसी सिचुएशन में कोई दुकान बंद है, हाँ जी, किसी घर में शादी है या कोई वो कहीं चला गया है, तो वो सेल्समैन को नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद वो यहाँ पर आके सामान ले जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो गाइज अभी हम चलेंगे सर के शोरूम में, यहाँ पर गोडाउन में, एंड फिर हम बाज़ार में चलेंगे, और मैं आपको पूरी क्लिप्स दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहना। मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ काम करती है, काफ़ी पुराने स्टाफ है मेरे साथ, स्टाफ नहीं है, एज ए फैमिली मेम्बर है इधर। दिस इज नेम ऑफ जय भगवान जी, एंड मेन पर्सन है अकाउंटेंट बोल सकते हैं, मिस्टर डॉक्टर, हम इनको डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा सर। हाँ, और काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर जतिन है लोडर ऑन लोडर में, वो ड्राइवर सोनू, वीरेंद्र सेल्समैन, एंड रंजीत। आई विल आल्सो वर्किंग विद क्वालिटी वाल्स आल्सो, क्वालिटी वाल्स आइसक्रीम जितना आता है, मैग्नम कॉर्नेट वगैरह जो भी आती है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, हाँ जी, वो सब मेरे थ्रू होता है। तो एक हमने आइसक्रीम के लिए भी हमने गाड़ी ली हुई है। अच्छा। हाँ, इसका टेम्परेचर हमेशा -20 degrees होता है, और ये दुकानों पर सप्लाई देती है, जैसे आइसक्रीम लीवर काम देती है, ऐसे सप्लाई देती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। वाओ, ये गोडाउन है सर। गोडाउन है इधर, ये जितना भी प्रोडक्ट्स है सारा एक्चुअल प्रोडक्ट्स हमारे पास ही आता है, ये सारा जो भी है कुंडली से हमारे पास स्टॉक आता है, कुंडली सोनीपत से। जी, सोनीपत से, मतलब A to Z सब कुछ। तो सर आप इसके बाहर भी अगर कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बुलाए तो आप
इस मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी आप दे सकते हो उन्हें? एज पर कंपनी लोग नहीं दे सकते, बाकी अभी कंपनी का कुछ क्राइटेरिया है जो बढ़ने जा रहा है जी। आई थिंक सो कंपनी मेरे को एक बड़े लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाली है जी जी, जो एक अपने आप में एक सीक्रेसी है जी, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है जो जो हम काम कर रहे हैं। आई थिंक सो जस्ट डबल कंपनी इतना बड़ा सपोर्ट देने वाली है, जो हम काम कर रहे हैं उसका जस्ट डबल हो जाएगा जल्दी। तीन पीस, कोई दुकानदार तीन पीस लेता है तो उसको तीन पीस मिलते हैं, छह पीस लेगा छह, गत्ते जितने चाहे वो। हाँ, सिंगल पीस भी ले सकता है जी, बस शर्त ये है कि होना चाहिए एक रिटेलर कस्टमर को हम सामान नहीं देते जी। तो सर रिटेलिंग का कुछ अगर कोई आए तो कुछ प्रूफ लेके आए या फिर? नहीं, कोई प्रूफ नहीं होता, उनके पास जीएसटी नंबर होता है जी, जीएसटी नंबर, हाँ जी, उनका नाम होता है। सब आउटलेट हमारे यहाँ कन्फिगर हैं जी, और आउटलेट जो है जियो फेंसिंग के द्वारा कन्फिगर है। जियो फेंसिंग में क्या होता है, आउटलेट के हमारे पास एक फॉर्म है, कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जी, वो आउटलेट के आगे जाके खुलेगा, उसी में हम ऑर्डर लेते हैं और वो सिंक हो जाता है और हमारे सॉफ्टवेयर में बिल आ जाते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर का नाम कंपनी ने आईकिया दिया हुआ है। आईकिया, हाँ। ओके सर, मतलब यहाँ कितने भी कोई पीस आके उठा के ले जा सकता है? हाँ, होलसेल रेट में। हाँ, वो निकालेगा, उसके बाद मेरा सेल्समैन उसको काउंट करेगा, देन आफ्टर मेरा अकाउंटेंट उसमें बिल बनाएगा, और बिल बनाने के बाद वो पेमेंट करेगा और ले जाएगा। पेमेंट ईच एंड एवरी मोड इज अवेलेबल, पेमेंट का कैश जी एंड कार्ड्स, पेटीएम, गूगल पे एक्सेट्रा। ओके, ये सर की अवार्ड्स हैं यहाँ पे, सही है? कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं अवार्ड? प्लेटिनम आरस राम है, 2016 में तो कंपनी मेरे को हैदराबाद बुलाया। अच्छा, हाँ। और 2004 से 2007 तक मैंने रिलायंस जियो रिलायंस का भी काम किया, तो रिलायंस में मैंने 7 स्टेट टॉप किया था, तो डीएकेसी धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी में मेरे को मुंबई बुलाया गया, जहाँ एचपी शुक्ला ने मेरे को अवार्ड दिया। दिस इज द अवार्ड धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी। ओके, हाँ। ये मेरे फादर साहब की फोटो है और ये पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी बसंत अंकल हैं, जो आज भी हमें फुल्ली सपोर्ट करते हैं, एज ए फादर हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं जी। कोई भी गाइडेंस लेनी होती है किसी तरह की भी, कोई भी, तो सब हम इसी नींद से लेते हैं जी। थैंक यू सर। हाँ जी सर, बताइए। मेरे फादर साहब हैं जो 2015 में पास आउट हो गए थे, चले गए थे ड्यू टू थ्रोट कैंसर जी, और बाबा जी को तो हमने कभी देखा ही नहीं जी। जब फादर साहब हमारे 5-6 साल के थे, भी हमारे बाबा जी चले गए थे। ओके। और दादी जी हमारी 1998 में एक्सपायर हो गई थी। हाँ, तो ये मेरे दादी जी फोटो है, बाबा जी की, मेरे फादर साहब की, ये सब कुछ पापा का दिया हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं, हम दोनों भाई मिलकर, मेरा छोटा भाई अमित है जो आज दिल्ली गया हुआ है, आपसे नहीं मिल पाया, हम ये चाह रहे हैं कि दोनों भाई मिलके हम अपने पापा का, अपनी फर्म का बहुत नाम ऊंचा करें, और वो सब कुछ आज हो रहा है, भगवान हमें सब कुछ दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अभी गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं सर का गोयल बाजार नाम है। दिस इज द गोयल एजेंसी फर्म, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है केवल होलसेल का। इसके बाद हम चलते हैं गोयल इजी बाजार, जो मेरा रिटेल आउटलेट है। ठीक है, तो गाइस ये वाली वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट आपको जो मिलेगा वो गोयल बाजार का मिलेगा।